हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, ये पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है और ऊपर आई बटन पे भी सब वीडियोज़ की लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। अब आप जब मान लीजिए आपको ये कोई लेंथ है ए से बी तक, इसको मेजर करनी है, इसको नापना है ये कितनी लेंथ है, तो आप क्या करते हो, स्केल लाते हो, स्केल और स्केल से मेजर करते हो। तो स्केल से मेजर करते हो ये 2 मीटर है, 1 मीटर है या कितनी भी मीटर है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हमें करंट को मेजर करना है तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है एमीटर। क्या होता है? एमीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस जब मेजर करना होता है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, नाम होता है उसका वोल्टमीटर। एमीटर का सिंबल क्या होता है वो बता देता हूं। एमीटर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के अंदर। ठीक है, इसका एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव होता है। ऐसे ही वोल्टमीटर को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव होता है। जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, निकालना होता है, वहां पे हम वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको सिर्फ ये याद रखना है अभी के लिए कि एमीटर जो है करंट मेजर करता है और वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप बोलते हो, इसका एक एंड पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ऐसे ही एमीटर का एक एंड पॉजिटिव होता है और दूसरा एंड नेगेटिव होता है। ठीक है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए था, ये मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं, हमने करंट की बात की थी 1 एम्पियर्स की। ठीक है, एम्पियर में बात की थी, लेकिन जो 1 एम्पियर करंट होता है बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज होता है बहुत ज़्यादा। तो हम जो करंट होते हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट में हम मेजर करते हैं, उनकी यूनिट्स होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले एक कंसेप्ट बताता हूँ जो शायद आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो देख लो। आपको पता है 10 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिखते हैं, 10^1, ये 10 के इक्वल होती है। अगर हमें 10^2 लिखनी है तो इसका मतलब क्या होता है, 100, मतलब जितनी जीरोस होती हैं उतनी 10^10 हो जाती है। अब 1/10 है आपके पास, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1, और जब ये पावर ऊपर जाती है न्यूमरेटर में तो ये पावर जो है अपोजिट साइन हो जाता है। 1 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऊपर जाने के बाद। ऐसे ही अगर 10^2 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10^-2। सिर्फ ये मुझे बताना था, यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। अब आपको कन्वर्ट करना है 1 मिली एम्पियर क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10^-3 एम्पियर। आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/1000, 1/1000 एम्पियर भी लिख सकते हो और 1/10^3 एम्पियर भी लिख सकते हो। ये जो 10^3 है न्यूमरेटर में जाने के बाद माइनस हो जाती है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, और स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है 1 माइक्रो, ये माइक्रो जो है म्यू होता है, म्यू इस तरीके से लिखा जाता है एम्पियर। माइक्रो का मतलब होता है 10^-6 एम्पियर, इसे आप 1/10^6 एम्पियर भी लिख सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन में आता है 3 × 10^-6 एम्पियर तो आप इसको 3 माइक्रो एम्पियर लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आती है नैनो एम्पियर की। नैनो का मतलब एन से मतलब 9, ठीक है, 10^-9 एम्पियर या 1/10^9 एम्पियर या आप इसको लिखते हो। ठीक है, ये 3 यूनिट्स की कन्वर्जन थी जो आपको मालूम होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सिंबल्स पे। हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है अभी तक देखे हैं, सेल, बैटरी, इनके हम सिंबल्स क्या होते हैं। हमने सेल की बात की थी, सेल के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हमने यहाँ पे एक टर्मिनल बताया था जो बड़े वाला होता है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं और जो स्मॉल होता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। इस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेल होता है आपका। अब मान लो हमें 2 सेल को कंबाइन करना है, ये एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें आपको एक दूसरा सेल कनेक्ट करना है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो आप क्या करते हो, इसका नेगेटिव टर्मिनल इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हो और ये 2 सेल्स कंबाइन हो गए हैं। ऐसे ही आप तीसरा सेल भी कनेक्ट कर सकते हो यहां से, ऐसे इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है। तो आप यहां पे एक बात नोटिस कर रहे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। इस सेल के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। अगर एक सिंगल सेल, सिंगल को हम बोलते हैं एक सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं बैटरी, यहां पे लिखा भी हुआ है। अब जब आप फैन ऑन करते हो तो स्विच होता है, स्विच आपके घर में, ठीक है, आप उसको खोलते हो और बंद करते हो। जब आप ओपन करते हो ना, ये एग्जांपल से मैं बताता हूं,
ये बैटरी लगी हुई है, ये बल्ब होता है, बल्ब का सिंबल मैं भी आपको बताऊंगा, और ये खुला हुआ है यहां से, ये स्विच का सिंबल होता है, स्विच का सिंबल। अब ये यहां से खुला हुआ है, क्या यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है यहां पे, ये यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, ये इस यहां तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि ये यहां से रास्ता खुला हुआ है, तो ये स्विच ओपन है। जब कभी भी स्विच ओपन होता है, ये उसका सिंबल होता है, ओपन जब भी स्विच होगा तो मतलब है ये ऑफ है स्विच, ओपन का मतलब ऑफ है, ओ से ओपन और ओ से ऑफ होता है। अब हमें दूसरा स्विच देखना है जो कि क्लोज होता है। स्विच क्लोज का मतलब है ये स्विच का यही सिंबल है, सिंबल सी बात यही है, हमने इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे सिर्फ एक डार्क डॉट आ जाता है, इसका मतलब है ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑन। अब आप कभी भी जब दो वायर्स को छीलते हो और कनेक्ट करते हो, ठीक है, जॉइंट मिलाते हो, जब आप दो वायर्स को कनेक्ट करते हो तो उसका सिंबल क्या होगा? तो एक वायर मान लीजिए ये है, एक ये है, ठीक है, जब आप इसको जॉइंट कर रहे हो, मतलब यहां से आपने इसको छीला, दो वायर्स को छीला और उनको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं वायर जॉइंट। अब दो प्लास्टिक की वायर जा रही है, मान लीजिए एक वायर ये है और एक दूसरी वायर है, तो ये सिंबल इसके ऊपर से जा रही है, इसके ऊपर से, तो इसका मतलब क्या होता है? वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, ये मिली हुई नहीं है, जॉइन नहीं है, सिर्फ एक के ऊपर से दूसरी तार जा रही है। बल्ब का सिंबल क्या होता है? मैंने अभी भी आपको बताया था, बल्ब का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, बल्ब को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हम अपना सर्किट बनाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर की, रजिस्टर की बात करते हैं। अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा था हमने, आर रजिस्टर को हम रेजिस्टेंस जो है ना अपोज करता है करंट का, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, उसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, ये कितने भी हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी वैल्यू है आर। दूसरा रजिस्टर होता है वेरिएबल, सिंबल यही होता है उसमें, इसका मतलब होता है इसकी वैल्यू चेंज होती है। अब वो चेंज कैसे होती है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिंबल होता है इसका, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये इनके सिंबल्स होते हैं, ये यूज नहीं होगा ज्यादातर, तो रेजिस्टेंस ही यूज होता है, ठीक है। अब एमीटर का सिंबल अभी हमने पढ़ लिया है, सर्कल के अंदर आपको ए लिखना है और एक एंड पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे ही वोल्टमीटर का सिंबल होता है वी, एक एंड इसका पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये सब सिंबल्स थे, ये आपको याद रखने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब हमें डिटेल में पढ़ना है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बारे में पूरा डिटेल में आपको जो है पढ़ना है। अब यहां पे एक बात नोट कीजिए, रेजिस्टेंस हमने ये कंडक्टर लिया गया है और ये एक बैटरी है, एक बैटरी है, सेल है, ठीक है, इसमें से यहां से चार्ज फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है यहां पे इस तरफ, ये पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा और ये यहां पे आने के बाद इस नेगेटिव से कंबाइन हो जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव इस कंडक्टर के अंदर से जा रहा है, क्या ये आराम से चला जाएगा, बिल्कुल फ्रीली चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसको जो है अपोज करता है, इसको कुछ यहाँ पे फ्री नहीं होते ना, ये बिल्कुल फ्री नहीं होता है, बहुत सारे रास्ते। अब आप, मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जब आप रोड पे चल रहे हैं तो वहां पे खड्डे होते हैं बहुत सारे, जब आप उसको, वो आप मोशन का अपोज करते हैं, वो क्या करते हैं, मोशन का अपोज कर रहे हैं। अगर आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं और रास्ते में खड्डे हैं, तो आप स्पीड कम कर लेंगे 30 या 20, ठीक है, 30 किलोमीटर मान लिया आपने कम कर दी, तो आपके मोशन का ये अपोज कर रहे हैं रास्ते में गड्ढे। ऐसे ही कंडक्टर के अंदर भी होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इनके, इनको अपोज मिलता है, अपोज मिलता है मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आराम से नहीं पहुंच पाते, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, और इस कंडक्टर को बोलते हैं रेजिस्टर। समझ में आ गया ना? अब मैं बताता हूं, अब ये कोई भी कंडक्टर है, ये रेजिस्टर है, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस है? अलग अलग रेजिस्टेंस जो है चेंज होता है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज होता है, कैसे चेंज होता है वो हम पढ़ेंगे अभी, आपको सिर्फ यहाँ पे समझ में आना चाहिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है। जब भी कोई भी चार्ज फ्लो करता है तो उसके रास्ते में जो रुकावट आती है उसको रोकती है, कि अपोज करती है, कि आप चलो मत, अपोज करती है उसके मोशन का, फ्लो का, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको ही अब हम यहाँ पे देखते हैं, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, ये चार्ज को बहने से रोकते हैं, और हमने रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, इसको इस ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओम का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से चार्ज बहते नहीं है, अपोज करते हैं, ठीक है, अपोज होते हैं। अब बात करते हैं रियोस्टेट की बात, हमने रजिस्टर रजिस्टेंस की बात कर ली है, अब रेजिस्टेंस में अभी हमने बात की थी वेरिएबल रेजिस्टर की, वेरिएबल रेजिस्टर क्या था, एक रेजिस्टेंस ऐसे हमने और ऐसे हमने जो है रिप्रेजेंट किया था। अब ये वेरिएबल रेजिस्टर मान लीजिए लगा हुआ है और यहाँ पे एक बैटरी है और एक बल्ब है,
ये मान लीजिए 2 वोल्ट की बैटरी है, अब हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, इसकी वैल्यू हम बढ़ाते हैं। अब यहां से आपको पता है I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, जब भी आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और जितनी करंट की वैल्यू यहां पे I कम होगी उतना ही ये बल्ब जो है कम जलेगा। तो हमने मान लीजिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर दी तो हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू कम मिल रही है, या हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दी तो करंट की वैल्यू ज्यादा मिलती है। चीज क्या है, जब हमारा कॉन्स्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कंडीशन ये होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट है और हम करंट को जो है चेंज कर रहे हैं, तो यही इसी चीज को हम बोलते हैं, इसी कंपोनेंट को बोलते हैं रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, जो हम रेगुलेट करने का काम आता है करंट वोल्टेज सोर्स को बिना चेंज किए, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। ये रियोस्टेट होता है, ये आपने घर में देखा होगा, फैन के पास लगा होता है, जब आप एक नंबर पे फैन चलाते हो तो हल्का चलता है, मतलब रेजिस्टेंस उस टाइम ज्यादा होता है, दो नंबर पे चलाते हो उससे थोड़ी स्पीड में चलता है, तीन नंबर पे चलाते हो तो और ज्यादा स्पीड में चलता है, और फोर नंबर पे चलाते हो तो ज्यादा ही स्पीड पे चलता है, तो मतलब फोर नंबर पे रेजिस्टेंस जो होता है सबसे मिनिमम होता है, और एक नंबर पे जब जीरो नंबर पे होता है तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, क्योंकि उस टाइम तो फैन आपका बंद ही होता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, चाहे स्विच भी आपने खोला हुआ है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, ये इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, ठीक है। ये कुछ टर्म्स थी जो मुझे बतानी थी। अब रेजिस्टर के बारे में बात करता हूं, कोई भी एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर ये ए है और दूसरा कंडक्टर बी है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा आर वन और इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है आर टू, इनका रेजिस्टेंस तो अलग अलग है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है, इस कंडक्टर को हम बोलते हैं रेजिस्टर, क्या बोलते हैं रेजिस्टर, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, ऐसे ही इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा कुछ। तो अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर, कोई भी कंडक्टर जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर, ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कोई भी कंडक्टर रेजिस्टर होता है और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का, ठीक है, किस पे डिपेंड होता है। अब हमने क्या किया, एक वायर ली, ठीक है, ये वायर ली यहां पे हाथ, इसकी लेंथ L1 है, फिर वायर ली L2 लेंथ ली, और ये जो L1 मान लो L है और L2 2L है, मतलब क्या है, ये लेंथ हमने डबल कर दी, तो हमने देखा रेजिस्टेंस जो है वो भी डबल हो गया, रेजिस्टेंस भी जो है इसका अगर R1 था तो इसका R2 डबल हो गया। फिर हमने ये जो वायर ली थी, ये वायर ली थी, इसका कुछ ये एरिया होगा, इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हमने इसको डबल कर दिया, अगर ये ए था तो ये क्या हो जाएगा 2A, जब हमने इसको डबल करा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई, कम मतलब आधी हो गई। तो यहां से हमें पता चलता है रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, अगर आप लेंथ कम करोगे तो रेजिस्टेंस भी कम होता है, और एरिया से क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जब आपने एरिया बढ़ाया था तो रेजिस्टेंस क्या हुआ था कम, ऐसे ही आप अगर आप एरिया कम करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जब हम इन दोनों कंडीशंस को मिलाते हैं तो यहां पे फॉर्मूला आ जाता है हमारे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ और एरिया। जब कोई भी आप प्रोपोर्शन हटाते हो तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट, और यहां पे जो कांस्टेंट आता है उसका नाम है रो, इसको हम, इसका नाम होता है आर एच ए रो, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है रेजिस्टेंस का, अगर आपको किसी भी रेजिस्टेंस निकालना है किसी भी एक वायर का, उसकी लेंथ गिवन है, उसका एरिया गिवन है और आपको उसकी रेजिस्टिविटी पता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो आप उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस रो की, इसकी रो की डिटेल में बात करते हैं। तो रो क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जब आपने आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रो एल अपॉन ए, जब ये प्रोपोर्शन हटाया तो ये रो आ गया था, ठीक है, ये रो आ गया था वहां पे।
ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होती है इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ये मटेरियल की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मान लो दो कंडक्टर हैं, एक ए है और एक बी है, ये दो वायर्स बनी है जो अलग अलग कंडक्टर्स की हैं, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो अलग अलग होती है, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी कुछ होती है, इसकी रेजिस्टिविटी कुछ होती है, मतलब ये बताती है कि इस वायर की करैक्टरिस्टिक्स अलग हैं और इस वायर की करैक्टरिस्टिक्स अलग हैं। और इसकी हम यूनिट निकालते हैं, R इज इक्वल्स टू क्या है, रो एल अपॉन ए। यहां से हम बोल सकते हैं रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R A अपॉन L। रेजिस्टेंस की यूनिट पता है आपको ओम होती है, और एरिया वो सर्कल इस क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एरिया यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर में है। जब आप इससे कैंसिल करते हो तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाती है ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। अब ये जो रेजिस्टिविटी होती है हर मटेरियल के लिए अलग होती है, और ये कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट होती है। जैसे रेजिस्टेंस, तो जब हम लेंथ चेंज कर रहे थे और एरिया चेंज कर रहे थे तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि ये अगर इस फॉर्मूले से कि रेजिस्टिविटी अगर एरिया आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, नहीं। रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है ना ही तो एरिया पे ना ही लेंथ पे, ये किस पे डिपेंड होती है, सिर्फ करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। हर एक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट होती है, ये डिपेंड होती है सिर्फ टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तब ये होती है चेंज। अब रेजिस्टिविटी की रेंज आप देख लो, रेजिस्टिविटी की रेंज मेटल्स के लिए 10^-8 ओम मीटर से 10^-6 ओम मीटर होती है, मतलब कितनी कम है, बहुत कम है। और इंसुलेटर के लिए क्या होती है, 10^12 ओम मीटर और 10^17 ओम मीटर, मतलब बहुत ज्यादा है। रेजिस्टिविटी का मतलब यह है कि रोक के रखना चार्जेस को। तो यहां पे इसकी ताकत किसकी ज्यादा होगी, इंसुलेटर्स के लिए होती है, वो रोक के रखते हैं चार्जेस को, वो फ्लो नहीं होने देते, इसीलिए वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर से जो है चार्जेस फ्लो नहीं कर पाते, जो करंट नहीं दे पाते हैं। और कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर से चार्जेस फ्लो कर पाते हैं और करंट मिलता है। तो जितनी रेजिस्टिविटी लो होती है उतना ही गुड कंडक्टर होता है, उतना ही क्या होता है, गुड कंडक्टर। और जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है वो उतना ही बैड कंडक्टर होता है, ठीक है ना, या उसको बोलते हैं हम इंसुलेटर। तो अच्छा कंडक्टर वो होता है जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, सबसे कम, वेरी वेरी लो। तो आपको याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। और हर एक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी अलग होगी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसको रो एल अपॉन ए के ऊपर वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी मैं बात बता देता हूं कौन सा मटेरियल है जिसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सिल्वर आपने सुना होगा, चांदी जिसको बोलती है, इसकी रेजिस्टिविटी होती है 1.6×10^-8 मीटर, ठीक है, सिल्वर की। तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। अगर आपसे कोई भी पूछता है ना बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो सिल्वर है। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। रेजिस्टिविटी क्या है, सबसे कम। और सबसे बेकार इंसुलेटर क्या होता है, पेपर, ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी होती है 10^12 जो वुड से बना होता है, ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, 10^12 ओम मीटर। अब यहां पे हम सिल्वर तो लेकिन वायर्स में यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये महंगा होता है। तो इससे जो सेकंड नंबर पे होता है वो होता है कॉपर। कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है 1.6×10^-8 ओम मीटर, ठीक है, 1.62 होती है, इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हम कॉपर्स यूज करते हैं, आपने सुना होगा, इसीलिए वायर्स जो बनती हैं कॉपर्स की बनती हैं। किसकी बनती हैं, कॉपर्स की बनती है। और आपने अभी देखा था जो 10^-8 से 10^-6 जा रहा थी, 6 गई थी रेजिस्टिविटी, ये जो 10^-6 थी ये एलॉयज के लिए थी, एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है मेटल से। अब क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है एलॉयज की मेटल से, इसीलिए जो रेजिस्टेंस होता है एलॉयज का वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो एलॉयज का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, इसीलिए हम जो आपकी बल्ब के अंदर वायर होती है वो हम टंगस्टन की यूज करते हैं। टंगस्टन एक मटेरियल होता है, टंगस्टन की यूज करते हैं क्योंकि वो एक एलॉय होता है। क्या होता है, एलॉय होता है, ठीक है। वहां पे हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी हाई रेजिस्टिविटी है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पिघल ना जाए वायर्स, ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, टंगस्टन की वायर। ऐसे ही हीटर्स में भी हम जो है एलोइज यूज करते हैं, एलोइज की वायर्स यूज करते हैं, आयरन प्रेस होती है वहां पे यूज करते हैं, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ज्यादा टेम्परेचर पे पिंग लेना। लेकिन जो एल्यूमिनियम्स और कॉपर हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स में, जहां पे करंट जा रहा होता है, ठीक है, वहां पे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उनकी लो रेजिस्टिविटी होती है, हमें वहां पे करंट चाहिए, हीट नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। कोई भी इस चीज वीडियो में समझ नहीं आई हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, आराम से क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को जो है लाइक करो जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि नई वीडियोस आएंगे तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।